नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी में आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीजेपी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू साल 2010 से लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं और उनके ठिकानों से आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात स्पष्ट की है कि किसी भी कीमत पर देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। शहर में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बता दें, पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने किराए में घर पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत एक पुरुष को पकड़ लिया है, जबकि मौके से एक महिला फरार हो गई है। इसी के साथ ही घर के अंदर से कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस को मिले हैं। बताया जा रहा है, सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला पंचायत घर रहती थी, जो कि ग्राहकों को लड़कियां सप्लाई करती थी। हल्द्वानी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन जारी है। बता दें, महाकुंभ में आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में अंडर 14, 17 और अंडर 19 बालक वर्ग की एथलेटिक प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जहां सुबह से ही सभी आयु वर्गों में हुई एथलेटिक प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया और इसी के साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन भी किया। शहर में आज आरटीओ रोड स्थित सत्या विहार में वेब सीरियल अतिथि सत्कारम की शूटिंग शुरू हो गई है। बता दें, सीरियल में अभी उत्तराखंड के सभी कलाकारों को मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है, ये सीरियल अतिथि यानी मेहमानों से जुड़ा हुआ है और कैसे एक परिवार में इस भागा दौड़ी भरी जिंदगी में अपने मेहमानों के सत्कार को नहीं भूलता, इस सीरियल में बखूबी दर्शाया गया है। आपको बता दें, ये सीरियल 2024 के मार्च महीने तक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। आगामी 13 दिसंबर को 10 बजे से नगर सेवायोजन कार्यालय ITI परिसर हल्द्वानी में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें कई बड़ी कंपनियां यहां उपलब्ध होंगी। बता दें, इसमें कई पदों पर 836 नियुक्तियों के साथ ही 12 नियोजन हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है, इस रोजगार मेले में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों का कई पदों पर चयन किया जाएगा। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।